कक्षा छः गणित में अध्याय ग्यारह है समीकरण, और समीकरण है हमारी एक चर में, एक चर में समीकरण है। दो तरह की राशियां आपने पढ़ी हैं, एक चर राशि और दूसरी अचर राशि। चर राशि जिनके मान बदलते रहते हैं, जैसे एक्स वाई टी जेड, मानो अक्षर, ये चर राशियाँ हैं। अंक तीन पाँच दो एक, ये कैसी राशि हैं? अचर राशि, जिनके मान नियत होते हैं। अब समीकरण के दो पक्ष होते हैं, समीकरण के कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। अब आप कहेंगे जी कौन कौन से पक्ष होते हैं दो? तो एक तो होता है समीकरण का बायां पक्ष, और दूसरा होता है समीकरण का दायां पक्ष, यानी जो बाएं हाथ का पक्ष है उसे बायां पक्ष बोलते हैं, और जो दाहिने हाथ का पक्ष है उसे दायां पक्ष बोलते हैं। जैसे हमने लिखा x प्लस टू बराबर थ्री, तो इसका बराबर के जो बाईं ओर का हिस्सा है ये बायां पक्ष है। बायां पक्ष क्या है? x प्लस टू, और दायां पक्ष क्या है? तीन। अब ये समीकरण क्या कहती है? ये समीकरण ये कहती है कि किसी संख्या है, कोई संख्या x अपने दिमाग में मानी हमने, और उस संख्या में दो जोड़ने पर तीन प्राप्त हो जाता है। यानी किसी संख्या में यदि हम दो जोड़ें तो हमें उत्तर तीन प्राप्त होता है। तो वो क्या संख्या हो सकती है? आप कहेंगे जी एक में दो जोड़ते हैं तीन हो जाता है। इसका मतलब है कि वो x जिसका नाम रख रखा है हमने, वो संख्या है एक। अब इस चीज़ को हल करके कैसे दिखाया जाए? तो हल करने का तरीका ये है कि हमें चर राशि हमारी इसमें x है और ये अचर राशि है। तो हल करने का ये तरीका है कि x को चर राशि को यानी एक तरफ इधर ही रखा जाए, बराबर अपनी बराबर की जगह पर है, तीन अपना तीन के स्थान पर है। इस दो को हम इधर ले जाएं, क्योंकि हमें x का मान निकालना है हल करके समीकरण, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि दो को इधर ले जाएंगे। अब बात क्या है? बात ये है कि यहाँ x के साथ दो जुड़ा हुआ है, और यदि इसे हम बराबर के दूसरी ओर ले जाते हैं तो उल्टा काम होगा, अब ये घट जाएगा, तो तीन माइनस दो और एक्स बराबर आ जाएगा एक। यही समीकरण का हल है। आप कह ही रहे थे कि जी एक बार एक आएगा एक्स का मान। तो ये तरीका है समीकरण को हल करने का। अब ऐसे ही और समीकरण ले हूँ, जैसे बी पार्ट है आपका वाई माइनस छः बराबर जीरो। अब इसमें हमें y का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? y को यहीं रखेंगे बराबर, और ये जीरो, छः को इधर लाएंगे उठा करके। जब इधर लाएंगे ये y में से छः घट रहा है इधर, तो जब ये बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में का जाएगा तो ये बजाय घटाव के क्या हो जाएगा? यहाँ जोड़ हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो y बराबर जीरो में छः जोड़ें तो क्या आ जाएगा? छः ही आ जाएगा। तो इसका ये उत्तर हो गया वाई बराबर छः। कुल मिलाकर हम ये
समझने की आवश्यकता है हमें कि अगर इधर कोई राशि जुड़ रही है दूसरे पक्ष में जाकर घटेगी, और यदि इधर में कोई घट रही है बाएं पक्ष में तो दाएं पक्ष में जाकर वो राशि जुड़ जाएगी। तो ये तो रहा जोड़ का और घटाव का। अब आपको मैं गुणा का बताता हूँ कैसे। जैसे इसने कहा कि 5g = 10, तो जब हम बीजगणित में गुणा सीख रहे थे कि साहब एक्स में 2 की गुणा करो, तो उत्तर बताते थे कितना, 2x। ऐसे ही 5 में जी गुणा करें तो उत्तर क्या आया, 5g। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5g जो है 5g है जी साहब। और स्पष्ट कर लें कि 5g = 10, बात ही गई है। या ऐसे कहूँ कि भाई जी और गुणा 5 कैसे भी लिख सकते हैं, बराबर 10। चाहे हम पहले इसे लिख दें क्योंकि 2 × 3 = 6 ही होते हैं और 3 × 2 = 6 ही होते हैं। चाहे 6 को हम 2 × 3 लिखूं, चाहे मैं 3 × 2 लिखूं, आखिर तो 6 ही आना है। तो जी गुणा 5 = 10। अब जी का मान निकालना चाहते हैं तो ये तो गुणा हो रही है, काम उल्टा होगा यहाँ आकर, तो यहाँ आकर भाग हो जाएगा। भाग का मतलब क्या हुआ, यहाँ बटे, है नहीं। तो जी बराबर 10/5 का मतलब क्या आ जाएगा, 5 × 10। तो सीधा सीधा हम लिख देंगे क्या कि जी बराबर हमारा आ गया 2। जी बराबर क्या आ गया, 2 आ गया साहब। ये हुआ हाल गुणा का। और अब हम मान लो भाग की बात करें। भाग की अगर बात करें तो एक सवाल है आपका सी, क्या कि वाई और 5/5 लिख रहा है 1, वाई 5/1। तो वाई 5/1 है तो इसका मतलब है वाई में 5 का इधर भाग हो रहा है, और भाग हो रहा है इधर, इधर जा क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो वाई बराबर आ जाएगा 1 और ये 5 बजाय भाग के कहाँ पहुँच जाएगा, गुणा में। तो उत्तर आया वाई 5। ये हुआ साहब भाग का हाल। तो जोड़ घटाव गुणा भाग की क्या स्थिति होती है, ये स्थिति इसमें स्पष्ट रूप से समझ ली जाए तो सवाल करना आसान हो जाएगा। आप चलिए साहब कुछ सवाल और लेते हैं। और सवाल लेने के लिए हम क्या करें कि एक सवाल लें क्या, देखो 3 + g = 3 के, तो यहाँ से g का मान निकालना है तो g को तो यहीं रखा जाएगा, ये 3 भी जो कहते हैं यहीं रखा जाएगा। उस 3 को उठा करके जब यहाँ लाएंगे तो इधर g + 3 कहूँ या g में 3 जुड़ रहा है ये कहूँ, या ये कहूँ कि g+ का है यहाँ, तो यहाँ जा कैसा हो जाएगा, ये माइनस का। तो g = क्या आ गया, ये आ जाता है आपका 0, है नहीं। और कोई सवाल ले सकते हैं। एक प्रश्न इसने लिखा दूसरे के सी में, ये था दूसरे का सी। अब हम दूसरे का और खंड आराम से कर सकते हैं। इसने लिखा यहाँ दूसरे ही प्रश्न में ए में, क्या 11 = b - 3। हाँ, अगर ज्यों का त्यों पलट कर रखना चाहें, यानी कैसे, बाएं पक्ष को उठा करके दाईं ओर लिख सकते हैं और दाएं पक्ष को उठा करके बाईं ओर लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर कुछ नहीं बदलना पड़ेगा। तो हम फिर लिख सकते हैं कि या करके लिख दें यहाँ पर b - 3 = 11। अब बात तो बड़ी स्पष्ट है, कोई संख्या है बी, उसमें 3 घटा रहे हैं हम, तो हम पे 11 बच रहे हैं, इसका मतलब संख्या क्या होगी। और वैसे भी निकाल लें कि b = 11 है और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ, 3, तो b = क्या हो जाएगा, 11 और 3 = 14। ये साहब इसका उत्तर हो गया, b = 14 आ गया। अच्छा जी, अब जरा मिक्स वाले सवाल को देखें आप। प्रश्न नंबर 4 की तरफ आप देखें
तो इसका एक प्रश्न है कौन सा कि 2x-3 बराबर क्या 5। अब 2x-3 बराबर 5 मान तो हमें x का निकालना है। अब 2 और 3 को एक साथ इधर नहीं भेजेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले 2x को जो का तो रखा जाए, बराबर की जो बराबर लगाया जाए, 5 ये जो का तो रखा जाए, और इस 3 को पहले इधर करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा, ये 3। अब ये हुआ 2x बराबर आपका 8। अब तो बात पुरानी तरह समझ में आ गई, जैसे 5 जी बाय 10 कर रहे थे हम, तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, 8/2। तो x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया साहब। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं। जैसे एक सवाल था इसका कौन सा, ये डी पार्ट है 5 का, कैसे 3 = (10-z/2), इसे कैसे हल किया जाए। तो इसे ऐसे हल किया जाए कि ऐसा करो तुम, जो हमारी चर राशि वाला पार्ट है उसे उठाकर क्यों का क्यों बाएं पक्ष में ले आओ, तो 10 - (z/2) क्या आया, 3। ठीक है सर, 10 - (z/2) = 3 आ गया। तो माइनस का जेड बटे दो हम जो के तो यहीं रख लें, 3 को यहीं रख लें। अब ये 10 प्लस का है तो यहाँ जा क्या का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का रहा। तो माइनस का (z/2) = - कितने बचे, 10 रुपये तो माइनस के हैं हमारे पास, और 3 रुपये हमारे पास जमा के हैं, यानी जेब में 3 रुपये, 10 रुपये कर्जा, 10 रुपये कर्जा और जेब में 3 रुपया। इसका हिसाब करें तो क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का कितना, 7। तो माइनस से फिर माइनस आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये अब बचा (z/2) = 7। तो (z) क्या हो जाएगा, ये बटे वाली चीज़ कायम पहुँच जाएगी गुणा में, तो (z) क्या आ गया, 14 आ गया, (z) = 14। तो इस तरह के प्रश्न हैं। एक प्रश्न और ले लेते हैं चलो इसमें से, कैसे कौन सा कि ये कहते हैं कि 2/3x - 2 = 0। वो कैसे हल करेंगे, 2/3x = 0 और प्लस क्या हो जाएगा, तो ये पार्ट है आपका जी खंड है साहब 5। अब ये हुआ 2/3x = 2 आया। अब x बराबर निकालना है, 2 यहीं रख लिया, आप 2/3 को इधर ले जाएंगे है नहीं, तो 3 जो बटे में था वो तो पहुंचेगा गुणे में, और जो यहाँ गुणा में था वो पहुंचेगा किस में, बटे में, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये हुआ x = 3। तो यहाँ से उत्तर क्या आया आपका, x = 3 आ गया। ऐसा ही एक प्रश्न और दे रखा है, उसे भी देख लें कौन सा, h। ये कहता है कि 2x - 3/5 = 7। तो जो बटे की संख्या गुणा में पहुंच जाएगी, तो 2x - 3 = 7 × 5 है, तो 2x - 3 = 7 × 5, ये 35 हुआ, और 2x = (+3), क्योंकि माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो 2x = (+3) = 38, और x = (38/2). 38 में 2 का भाग करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 19। इस तरह की ये प्रश्नावली है, इसके प्रश्नों को बार बार करें, 4-4, 5-5 बार करें, अभ्यास करें। ये बात ध्यान रखें कि अगर बाएं पक्ष में कोई राशि जुड़ रही है तो दाएं पक्ष में अगर वो जाएगी तो घटेगी, है नहीं, तो जोड़ का क्या हो जाएगा, उधर जाके घटाव,
है नहीं, माइनस का क्या हो जाए उधर जाके प्लस, गुणा क्या हो जाए उधर जाके भाग, और भाग इधर में हो रहा है बटे हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगी उसकी गुणा हो जाएगी। तो इतनी बात ध्यान रखें, ये प्रश्नावली आपकी आसानी से हो जाएगी, और कोई समस्या होगी तो उसे मुझसे कंसल्ट कर लेंगे।